हिमाचल मंडी कल्याण सभा के बहुत ही होनहार प्रगतिशील अध्यक्ष श्री कांशीराम वर्मा जी, यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी सभा के पदाधिकारीगण, यहाँ इकट्ठे हुए भाइयों बहनों और नौजवान दोस्तों, आज सभा द्वारा जो काशतवा शहर महोत्सव मनाया जा रहा है उसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। आप जानते हैं शहर फेस्टिवल मंडी जिला का मशहूर त्यौहार है जिसमें लोकल हॉलीडे दी जाती है और लोग बड़े धूमधाम से शहर मनाते हैं। मुझे धन्यवाद करना है श्री कांशीराम वर्मा जी का, इनके सभी पदाधिकारियों का, जिन्हें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुझे विशेष तौर पर आने के लिए निमंत्रण दिया, जिसके लिए मैं सभा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले 24-25 साल से लगातार मैं इस सभा से जुड़ा हुआ हूँ और आज आप लोगों से फिर मिलने का मौका मिला। पिछले 2 साल कोरोना काल में जैसे कहा गया सभा का कार्यक्रम नहीं हो सका, लेकिन कोरोना काल में भी सभा के लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली के अंदर भी और दिल्ली से बाहर भी बहुत जो है प्रशंसनीय कार्य किए हैं और जहां सभा द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में हिमाचल में जो आई कैंप लगाए जाते हैं उसका भी लोगों को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि लोग सब लोग गांव के लोग शहरों में नहीं जा सकते, घरों के नज़दीक उनके ऑपरेशन हो रहे हैं। और वैसे भी सभा द्वारा जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है, उसके लिए भी मैं सभा का बहुत बहुत आभार करता हूँ। हिमाचल प्रदेश लगातार तरक्की के आगे रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। आप जानते हैं 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश बना और हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार रहे हैं, जिन्हें हिमाचल प्रदेश को आगे चढ़ाया। फिर पहले टेरिटोरियल काउंसिल थी, फिर विधानसभा बनाई, 66 में जो है पंजाब के इलाके जो है हिमाचल प्रदेश में आए, उसका आकार बढ़ा और 1971 में 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और हिंदुस्तान के नक्शे पे ठारुआ राज्य बना। आज जैसे कहा गया आपकी सभा गैर राजनीतिक सभा है, सभी पार्टी के लोग इसमें आते हैं, सभी पार्टी के लोग इसमें योगदान देते हैं और मुझे खुशी है आज अनुराग ठाकुर जी जो होनहार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के यहाँ केंद्र सरकार में मंत्री बने, उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं कि हिमाचल के विकास के लिए ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री था, तब एक फैसला किया था, मैंने उनसे कहा था कि एम्स जो है मंडी में खोला जाए, क्योंकि मंडी में ईएसआई कॉरपोरेशन का एक मेडिकल कॉलेज 800-900 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया था और हर्षवर्धन इन प्रिंसिपल मान गए थे। उनका 1000 बीघा जमीन के नक्शे भी मैंने दे दिए, लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन को विभाग बदला, श्री नड्डा जी आए हमारे प्रदेश के, आए तो राष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ठाकुर कौल सिंह, जब मैं उनको मिलने आ गया हेल्थ मिनिस्टर, मैं चाहता हूं कि एम जो है बिलासपुर में बढ़े। मैंने कहा ठीक है, आप चाहते हैं बिलासपुर में बढ़े, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में ही है। हमने कैबिनेट से प्रस्ताव कराया कि एम जो है बिलासपुर में खोला जाए, अब वो बिलासपुर का एम जो है बन करके तैयार हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश जो है लगातार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मुझे आप लोगों से निवेदन करना है, आप दिल्ली में रहते हैं और हिमाचल प्रदेश एक विकसित जो है राज्य के रूप में उभर करके आ रहा है। आज हिमाचल प्रदेश लगातार तरक्की के रास्ते पर आप लोगों के सहयोग से जो है बढ़ रहा है। मुझे आप लोगों से निवेदन करना है, आपका मंडी जिले से खास संबंध है और मंडियाली होने के नाते जो है थोड़ी थोड़ी मंडियाली भी बोलनी चाहिए। तो सलोकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करा।
इतनी पूजने पर तुसे बड़े स्वागत किया। मुझे पूरा विश्वास है कि तुसा लोका मिली कने जहा मंडी रे तरक्की रे कटे हिमाचल तरक्की कटे तुसरा बड़ा योगदान रहना जिता कटे। मैं तुसरा बहुत बहुत धन्यवाद करा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिमाचल।